अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नया टॉपिक है जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज़ अ पार्ट ऑफ इज़ अ एडिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ जेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन इफ़ एफ ऑफ जेड कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ यू प्लस आयोटा वी, और यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है और वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। दोनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई होते हैं, लेकिन यू को हम रियल पार्ट कहते हैं या रियल फंक्शन कहते हैं, और वी को हम इमेजनरी पार्ट या इमेजनरी फंक्शन कहते हैं। यानी एफ ऑफ जेड का रियल फंक्शन क्या होता है? यू, और एफ ऑफ जेड का इमेजनरी फंक्शन क्या होता है? वी। अगर सिर्फ एक्स प्लस आयोटा वाई जेड की वैल्यू रखी जाए तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है, लेकिन अगर जेड के साथ एफ ऑफ जेड लिखा जाए, यानी कि अगर फंक्शंस में जेड गिवन हो और वो एफ ऑफ जेड कहला रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू साइन जेड, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू ई की पावर जेड, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू एल एन जेड, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएंगे। यानी इन एफ ऑफ जेड को हम यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ सिंप्लीफाई करके। थैंक यू।